हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं किया सोनेट के HTX प्लस टर्बो IMT और सोनेट के GTX प्लस टर्बो IMT वेरिएंट के बीच में, जहां पर आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में करीब 12 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम प्राइस डिफरेंस की तो HTX प्लस से GTX प्लस के बीच में आपको करीब 44,000 रुपये का एक्स शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस भी दिया गया है। तो डिटेल कंपैरिजन को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है एयर बैग्स का, जहां पर आपको सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर 6 एयर बैग्स दिए जाते हैं, वहीं सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग्स ही मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस है पार्किंग सेंसर्स का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर बोथ प्लेसेस पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जिसका डिस्प्ले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी के दोनों पर ही मिल जाएगा, जबकि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ही दिए गए हैं। तीसरा डिफरेंस है फ्रंट ग्रिल का। तो GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल मिलती है, जिसके ऊपर आपको रेड एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही यहां पर आपको GT लाइन का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, जबकि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट ग्रिल ओनली ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर ही मिलती है, यहां पे आपको कोई एक्सेंट वगैरह नहीं मिलते। चौथा डिफरेंस है इंटीरियर कलर थीम का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सिंगल टोन का इंटीरियर थीम मिलता है, जहां पर आपको कंप्लीट इंटीरियर ऑल ब्लैक थीम के अंदर दिया गया है, जबकि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको डुअल टोन का इंटीरियर थीम मिलता है, जहां पर आपको ब्लैक एंड बेस कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पांचवा डिफरेंस है सीट अपहोल्स्ट्री का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको लेदर रेड टाइप ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री दी जाती है, जिसके ऊपर आपको रेड स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी, जबकि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर भी आपको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री ही दी जाती है, लेकिन यहां पर आपको सीट्स का साइड पोर्शन ब्लैक और मिड पोर्शन आपको बेज कलर के अंदर दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। और दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सीट्स वेंटिलेटेड टाइप की दी गई है। छठा डिफरेंस है फ्रंट स्किड प्लेट का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको टर्बो शेप के अंदर फ्रंट स्किड प्लेट मिल जाती है, जो कि HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सिल्वर मस्कुलर टाइप की ही दी गई है। सातवां डिफरेंस है वायरलेस चार्जर का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको वायरलेस चार्जर कनेक्टिविटी भी दी जाती है, जो कि HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती। आठवां डिफरेंस है पैडल्स का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको पैडल्स स्पोर्टी एलॉय फिनिश के अंदर दिए जाते हैं, जो कि GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल टाइप के ही मिलते हैं। नवा डिफरेंस है फ्रंट एंड रियर बम्पर का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर बम्पर्स पर रेड कलर का इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिया गया। दसवां डिफरेंस है साइड सिल गार्निश का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको साइड सिल गार्निश रेड इंसर्ट के साथ दी जाती है, जो कि HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलती है। 11वां डिफरेंस है क्रोम बेल्ट लाइन का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको विंडो फ्रेम किट पर क्रोम लाइनिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती। यहां पर ये लाइन आपको ब्लैक फिनिश के अंदर दी गई है। 12वां डिफरेंस है व्हील्स का। तो सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंच का क्रिस्टल कट एलॉय व्हील दिया जाता है, जिसके बीच में आपको स्पोर्टी रेड कलर के व्हील कैप मिलते हैं। साथ ही यहां पर आपको रेड कलर के ही फ्रंट कैलिपर भी दिए गए हैं, जबकि सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट के अंदर यहां पर आपको सेम 16 इंच का क्रिस्टल कट एलॉय व्हील तो मिलता है, लेकिन यहां पर आपको व्हील कैप सिल्वर कलर के अंदर दी जाती है। इसके अलावा दोनों ही कार्स के अंदर आपको लेदर रैप्ड स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन GTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर GT लाइन की बैजिंग और HTX प्लस वेरिएंट के अंदर आपको सोनेट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ सेफ्टी फीचर और कॉस्मेटिक चेंजेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। बाकी आपकी सुविधा के लिए इन दोनों ही वेरिएंट्स के प्राइजेस, एक्स शोरूम कॉस्ट और ऑन रोड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।